दोस्तों आप सभी ये रिश्ता क्या कहलाता है तो देख ही रहे होंगे, जिसमें हमें तीन नए कलाकार देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक है टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम और एलिजिबल बैचलर हर्षद चोपड़ा, जिनके लाखों दर्शक दीवाने हैं। यही वजह है कि दर्शकों ने इनके इस सीरियल के पहले प्रोमो को इतना ज्यादा पसंद किया है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस सीरियल में हर्षद चोपड़ा ने 5 मकसद के चलते वापसी की है, जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कौन से हैं हर्षद चोपड़ा के वो 5 मकसद जिन्हें पूरा करने के लिए इस सीरियल में ये वापस आए हैं? तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको हर्षद चोपड़ा के उन 5 मकसदों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस हैंडसम अभिनेता के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1 पर है अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहते, ये रिश्ता क्या कहलाता है में हर्षद चोपड़ा हमें अभिमन्यु का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका सीरियल में वापसी करने का पहला मकसद है कि ये अपना पैशन यानी कि एक्टिंग को नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि शायद ही आप सब जानते होंगे कि हर्षद एक इंजीनियर है, मगर इन्होंने अपने पैशन के चलते इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग को चुना था, और यही वजह है कि कई सालों के ब्रेक के बाद भी ये इंजीनियर की जॉब नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहते थे। इसीलिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शो के साथ वापसी करके इन्होंने अपने पैशन को जारी रखा है। नंबर 2 पर है फेम के लिए, अभिनेता हर्षद चोपड़ा टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम, टैलेंटेड और एलिजिबल बैचलर हैं, जिनके करोड़ों दर्शक फैन हैं और इन्हें दिलो जान से चाहते हैं। पर जब ये कुछ समय के लिए टीवी सीरियल से दूर हो गए थे तो इनका फेम कम हो गया था। बस उसी खोए हुए फेम को पाने के लिए ये दोबारा से टीवी इंडस्ट्री में आए हैं। नंबर 3 पर है दोबारा सीरियल्स में जगह बनानी है, हर्षद चोपड़ा हमें आखिरी बार कलर्स के पॉपुलर सीरियल बेपनाह में आदित्य हुड्डा का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जिसे देखकर दर्शक इनके दीवाने हो गए थे, खास तौर पर लड़कियां। मगर इस सीरियल के बाद इन्होंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था, जिसकी वजह से सीरियल से ये गायब से हो गए थे। इसीलिए इस सीरियल में इनके आने का एक मकसद ये भी है कि ये वापस से सीरियल्स में अपनी जगह दोबारा से बनाना चाहते हैं। नंबर 4 पर है ऑफर ठुकराना नहीं चाहते, ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी इंडस्ट्री का बहुत ही लोकप्रिय सीरियल है, जिसमें ऑफर मिलना हर्षद के लिए काफी बड़ी बात थी। इसीलिए इन्होंने इस सीरियल के ऑफर को ठुकराना सही नहीं समझा, और ना ही ये इस शो को ठुकराना चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये ऑफर ठुकरा देते हैं तो इन्हें बाकी सीरियल्स में काम मिलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए इन्होंने इस मकसद से इस सीरियल को अपनाया कि इन्हें बाकी सीरियल्स में ऑफर नहीं ठुकराने पड़े। नंबर 5 पर है काफी ज्यादा टाइम से सीरियल नहीं किए, अभिनेता हर्षद चोपड़ा का इस सीरियल में वापसी लेने का आखिरी मकसद ये है कि काफी ज्यादा टाइम से इन्होंने कोई भी सीरियल नहीं किया था, जिसकी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग और करियर पर भी असर पड़ रहा था। इसीलिए इन्होंने इस सीरियल को अपनाकर अपने इस मकसद को पूरा किया है और अब दर्शकों के दिलों में वापस से राज करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी हर्षद चोपड़ा की सीरियल में वापसी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।